हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। आज हूँ अक्टोबर मस 6 तारीख गुरुवार। आज मुँ आपको ओडिशा तथा देश विदेश 15 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं। आज प्रथम खबर, रेल यात्री को लगला झटका, तीन गुणा बढ़ला प्लाटफर्म टिकेट। बर्तमान दिल्ली में प्रमुख स्टेशन मानक यात्री मानक अधिक तीन गुणा टंका दे प्लाटफर्म टिकेट किणवाक पड़। पूर्वर जो मात्र 10 टंका रे यात्री मानक टिकेट उपलब्ध होता, एवं तीन गुणा अधिक बा 30 टंका रे टिकेट मिल। सूचना अनुसार पार्वण में रेल स्टेशन बहुत संख्य में जनसमागम होता, यात्री सहित संपर्क मैंने अधिक संख्यार आसुवर रेल स्टेशन में प्रबल भिड़ होता है। यह दृष्टि रखी रेल स्टेशन में भिड़ कम रेल कर्तृपक्ष एपरी पदक्षेप नहीं। परवर्ती खबर, पीएम किसान लाभार्थी को मिल 3 लाख टंका जाए आर्थिक सुविधा। किसान क्रेडिट कार्ड एपरी उठाई पारे फायदा, शीघ्र जानतु स्टेप। सरकार कृषक मान आमदानी बढ़ावा उद्देश्य यह निष्पत्ति नहीं। जदि आपण किसान क्रेडिट कार्ड बनवा को इच्छुक अच्छे, तेज आपड़ निज पाखापाखि बैंक शाखा जा आवेदन करेंगे। जरूरी दस्तावेज जमा करने आपंपी आवेदन पत्र भरवाक हो। फर्म भरवापर बैंक अधिकारी सब जरूरी डॉक्यूमेंट भरवाक पड़ो। किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन करने 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड आदि आवश्यकता पड़ो। यह व्यतीत चाष कर फसल संबंध में लिखा हो। यार अन्य फायदा रही, किसान क्रेडिट कार्ड में चाषी भाई को 5 वर्ष पर्यंत 3 लाख टंका जाए शॉर्ट टर्म लोन दि जाए पार। किसान क्रेडिट कार्ड में नहीं टकर सरकार तरफ सब्सिडी दि जाए, जो आपण के कम शोध देवाक हो। पीएम किसान योजन 12वां किस्ती एवं पर्यंत मिलना, पूर्व यह 2 अक्टोबर पर्यंत खातार आसबार था, किंतु एवं दीपावली पूर्व यह आकाउंट को आसबार योजना रही। जाणी रखत जे ए कृषक भाई मान वार्षिक 6000 टंका किस्ती मिल, जार भुगतान 2-2003 थर। परवर्ती खबर, ईपीएफओ ग्राहकों आकाउंट को आसो 81000 टंका, एपरी करूँ जांच। कर्मचारी भविष्य निधि फंड अर्थात ईपीएफओ 7 कोटी ग्राहकों पर चलित मस शेष सुधा मिल पाए खुशी खबर। सरकार ईपीएफओ आकाउंट होल्डर आकाउंट में 2022 आर्थिक वर्ष पर सुध ट्रांसफर करने को जाऊँगी, तेज एथर सुध 8.1% हार में मिल। सूचना अनुजाई कर्मचारी प्रोविडेंट फंड संगठन 2022 आर्थिक वर्ष में पीएफ आकाउंट में प्राप्त सुध गणना कर, शीघ्र यह आकाउंटधारी आकाउंट को स्थानांतरित हो। एथर सरकार आकाउंट में जमा होता मोट 72000 कोटी टंका निजुक्तिदाता आकाउंट को पठा। केबे ट्रांसफर हो टा, गत वर्ष लोक सुधपाई 6-8 मास अपेक्षा करने को पड़ता, किंतु गत वर्ष कोविड कारण परिवेश भिन्न था। चलित बर्ष सरकार विलंब करे ना, मीडिया रिपोर्ट अनुजाई चलित मास शेष सुधा सुध टंका आकाउंट को ट्रांसफर हो पार। 40 वर्षर एक वर्षर आग्रह सर्वनिम्न स्तर में रही। परवर्ती खबर, एणिकी नंबर बिना एटीएम रु उठाई पारे नहीं क्याश, जानतु कौन रही यार नियम। बैंक तरफ दि जा सूचना अनुसार यह नियम अनुसार ग्राहक बिना ओटीपी क्याश उठाई पारे ना। एथिरे क्याश उठाणर समय ग्राहकों को तांका मोबाइल फोन में एक ओटीपी आसीब, जहाँ को भरवा पर एटीएम रु क्याश उठाई हेब। यह नियम संपर्क में बैंक पूर्व सूचना दे, बैंक कही कि एसबीआई एटीएम रे नेणदेण हो ठकामी को रोकवाई ओटीपी व्यवस्था कर, ठकामी रक्षा करने आम सर्वोच्च प्राथमिकता। आपण को कही रखुज, बैंक ग्राहक को फ्रॉड रक्षा करने 10000 एवं तदुर्थ राशि उठाण उपर नुआ नियम लागू कर। तदनुसार एसबीआई ग्राहकों को तांका बैंक खातार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पठा जाइथिबा ओटीपी एवं तांका डेबिट कार्ड पिन सहित प्रतिथर निज एटीएम 10000 टंका एवं ताठारु अधिक उठाबार अनुमति देथाय। परवर्ती खबर, वर्षा पई फीका पड़ा दशमी, 12 जिला पई येलो वार्निंग जारी। पश्चिम केन्द्रीय उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होइथिबा घूर्णिवलय जो राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही। प्रबल वर्षा दशहरा पूजा को प्रभावित करी, मेघ समूह प्रभाव में राज्य उपकूल समेत पार्श्ववर्ती किसी अंचल वर्षा लगि रही। वर्षा जो लोके घर बाहर मुस्किल हो पड़ी, आज 12 जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर रायगढ़ गजपति गंजाम
खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक और बालेश्वर जिला प्रबल वर्षा होवार संभावना रही बेले जिलापाई येलो वार्निंग जारी कर।